बीजेपी नेता दशरथ भगत के एक दिवसीय अनशन से घबराए सिडको प्रशासन ने टिकट विंडो शुरू करने और सानपाड़ा के उपेक्षित इलाके का अधूरा विकास पूरा करने का भरोसा दिलाया है। दशरथ भगत और जयवंती भगत ने इसकी मांग के लिए अनशन पर बैठे थे, जिसे पूर्व मंत्री गणेश नायक, पूर्व सांसद संजीव नायक और पूर्व विधायक संदीप नायक ने भी समर्थन दिया। देखिए रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सिडको प्रशासन, सिडको प्रशासन। नागरिकांच्या सुविधा या हक्काच्या कोण म्हणतो देणार नाही, कोण म्हणतो देणार नाही। बीजेपी नेता दशरथ भगत के एक दिवसीय अनशन से सिडको प्रशासन हिल गया है। सिडको अधिकारियों ने दशरथ भगत की उन सभी मांगों को भी मान लिया है, जिनके लिए वे 8 सालों से समाधान की मांग कर रहे थे। आज एक दिवसीय अनशन में पूर्व नगर सेविका जयवंती दशरथ भगत ने थालीनाद करते हुए अंधे और बहरे बने सिडको अधिकारियों को जगाने की कोशिश की। आंदोलन को समर्थन देने आए पूर्व मंत्री गणेश नायक, पूर्व सांसद संजीव नायक और संदीप नायक एवं पूर्व मेयर सागर नायक ने भी इसे सिडको की मनमानी करार दिया। फिलहाल सिडको अधिकारियों ने हफ्ते भर में यहाँ का दौरा कर समाधान निकालने का भरोसा दिलाया है। सिडको के खिलाफ बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं ऊपर आंदोलन कर रही है कि नवीन भाई गाय जिन्होंने इतने सालों तक सिडको को दूध दिया और दूध देने के बाद अभी उम्र हो गई, अभी दूध इतना दे नहीं सकती, तो आप क्या करें, तो उसको कत्तलखाना भेज के उसको काट डाल। तो नवीन भाई को बर्बाद करने के लिए नवीन भाई का कत्ल करने का फैसला सिडको ने लिया है। और इनको ये प्रेरणा आती है, शक्ति आती है वो स्थान राज्य सरकार से है, क्योंकि जहाँ से उनको ऊर्जा मिलेगी वैसे ही वो काम करेंगे। और अभी की राज्य सरकार ये लोक सेवा के लिए नहीं, ये खुद की सेवा करने के लिए बना है। ये आज हम लोग जितने भी आरोप हो रहे उसमें देख रहे हैं। नवीन भाई शहर एक सामर्थ्यवान शहर है, अगर इसको और विकास के दृष्टि में किसी किसी को आँख में चलता है कि ये विकास इतना नंबर वन क्यों है, क्या किसी को सहन नहीं होता है कि ये शहर नंबर वन क्यों है, नहीं रह सकता है शहर नंबर वन, इसके लिए इस शहर को बर्बाद करो, ऐसा प्रकार का निर्णय लेने का कर रहे। और उसी के तहत भ्रष्टाचार तो आप चरम सीमा पे पहुंचा है, ऐसा देख रहे कहा मतलब तो माता प्रेम होता है, घड़िया 50 लाख की दी जा रही है और अलग अलग प्रशासन के गाड़ियों में नोटे काउंटिंग की मशीन मिल रही है। चाहे जैसे कहा कि यहाँ पे भी सिडको में भी नोटे काउंटिंग की मशीन मिल सकती है, क्या पता दिवाली गिफ्ट उनको दशरथ जी भगत साहब देंगे कि उनका टाइम बचे और थोड़ा टाइम जो बचा हुआ टाइम हमारे लोगों के शहर के लिए सेवा के लिए उपलब्ध हो। बताना जरूरी है कि बीजेपी नेता दशरथ भगत ने जिन प्रमुख मांगों को लेकर सिडको के खिलाफ आक्रामक अनशन किया उनमें वाशी रेलवे स्टेशन पूर्व में टिकट विंडो शुरू करने, गटर, फुटपाथ, रिक्शा और टैक्सी स्टैंड बनाने, पार्किंग प्लाजा और सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी विकसित करने की मांग शामिल है। दशरथ भगत ने कहा कि सिडको ने 2018 से 2021 तक जमीन बेचकर 1100 करोड़ कमाए हैं, इसलिए 50 करोड़ सानपाड़ा क्षेत्र के विकास के लिए और 200 करोड़ मनपा को देने चाहिए। दशरथ भगत ने कहा कि यदि मांग पूरी नहीं हुई तो और भी तीव्र आंदोलन होगा। सर, हमारी जो सानपाड़ा सोनकार पामबीच रहवासियों की मांग है कि जो सिडको ने 40,000 स्क्वायर मीटर जगह बेची है, हमारा विरोध है। हमारा कहना है कि आप 20,000 बेचो, 20,000 लोगों की रखो, वो 20,000 स्क्वायर मीटर में आपको 1,000 करोड़ आएगा या 600 करोड़ आएगा, उसके अंदर से हमारे क्षेत्र के लिए आप 100 करोड़ रखो और 200-300 करोड़ आप नई मुंबई विकास के बाकी आपको जिधर जाना लेके जाओ। एक दूसरी मांग, जो वाशी रेलवे स्टेशन के यहाँ टिकट घर है वो चाहिए हमें, वहाँ गटर नहीं, फुटपाथ नहीं, रास्ते नहीं, पार्किंग नहीं है, पुलिस चौकी नहीं है, ये सब होना चाहिए, सीसी कैमरा टीवी होना चाहिए, वहाँ टॉयलेट और स्नान गृह होना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। नहीं, उनको वो राह देख रहा है कि ये लोग उग्र आंदोलन करे और उनको हम पिटे, क्योंकि उनको पिटना नहीं ना, पुलिस के माध्यम से पिटना है, हम उग्र आंदोलन करेंगे लेकिन हम उनको तकलीफ, हम खुद को तकलीफ देंगे, क्योंकि उनको तकलीफ देके क्या करेंगे, हम खुद को तकलीफ देंगे क्योंकि हम उसको तकलीफ देने के जाएंगे या ये पुलिस के माध्यम से हम ही पिटेंगे, पुलिस को तकलीफ, पुलिस के ऊपर इंक्वायरी, पुलिस निलंबित हो गए उनको क्यों तकलीफ, उनका काम नहीं है ना, उनका चोर को पकड़ने का काम है, शांति और सुरक्षा रखने का काम है, लोगों की सुरक्षा रखने का काम है,
ये आंदोलन को पीटने का उनका काम नहीं है, तो इसीलिए हम भूमिका बदल रहे हैं। हम उग्र आंदोलन करेंगे, हम खुद को करेंगे, जो कुछ करना है खुद को, भले खुद को शहीद होने की नौबत आए तभी हम भोग जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।